अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद आंटी अंबर। तो आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आए फिश और पालक की। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो मैंने इसके लिए बचवा फिश लिया है। इसे नमक लगा के मैंने धो लिया है। इसमें एक ही कांटा होता है, बाकी रोहू की तरह इसमें कांटे ज़्यादा नहीं होते, तो इसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। पालक में डालने के लिए आप मली मछली या सिंघाड़ा मछली ले सकते हैं। और 1.5 किलो पालक लिए मैंने धो के और अच्छे से बॉयल करके और इसे ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल बारीक पीस लिया। इसके अलावा फ्रोज़न मेथी है, ये मेथी भी मैं बना के धो के और इसको सेक लगवा के फ्रीज कर लेती हूँ और जितनी चाहिए होती है यूज़ कर लेती हूँ। बिल्कुल क्वार्टर गट्ठी के करीब ये मेथी थी। और अब मसालों की तरफ आ जाते हैं। 4 टेबलस्पून दही लिया है मैंने, 1.5 टीस्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिया है, 2 टीस्पून मैंने हल्दी के लिए और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला लिया है। इसमें आप देख लें, एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची, 2-3 लौंग हैं और काली मिर्च और ज़ीरा। और 4 से 5 जो है मैंने लहसुन के पीस लिए हैं और 5 मैंने हरी मिर्च लेके इनको कूट लिया है। और 1 ही प्याज लेंगे, प्याज बिल्कुल छोटे साइज़ के लिए, ज़्यादा प्याज से पालक मीठी हो जाएगी, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब एक कढ़ाई, क्योंकि मेरी नॉन स्टिकिंग नहीं थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक चुटकी डाला है और उसके बाद प्याज डाल दिया है। अच्छा, नमक डालने से ये है कि आपका जो बर्तन है, जो भी तवा हो कढ़ाई हो, वो नॉन स्टिकिंग बन जाता है और चीज़ें उसके साथ चिपकती नहीं है। तो प्याज मैंने डाल के हल्का सा फ्राई किया, साथ ही लहसुन डाल दिया। और थोड़ा सा लहसुन फ्राई करने के बाद हम साथ ही फिश के पीसेस ऐड कर देंगे। तो फिश भी मैंने ऐड कर दी है। इसके बाद दही डाल देंगे जो 4 टेबलस्पून ली थी और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही हमें मसाले डाल देने हैं, लाल मिर्च भी, हल्दी, और नमक। अब इसको हाई फ्लेम पे हमने अच्छे से भून लेना, गरम मसाला भी ऐड कर दिया। और इसे अच्छे से हमें दही और लहसुन के पानी के साथ हमें तेज़ आग पे इसको भून लेना है। स्लो फ्लेम पे करेंगे तो मछली बहुत जल्दी टूट जाएगी, तो इसे तेज़ आग पे हमने फ्राई करके और निकाल लिया। दही के साथ अच्छे से भून लिया हमने और सारे पीसेस हम निकाल लेंगे। और उसके बाद इसी मसाले में मेथी डाल के हमें बहुत अच्छे से भून लेना है, यहाँ तक कि मेथी का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। अगर मेथी की भुनाई अच्छी तरह नहीं करेंगे तो पालक में कड़वाहट आ सकती है। सो मेथी को बहुत अच्छे से भूनें और उसके बाद पालक ऐड कर दें, साथ ही हरी मिर्च भी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करके कवर करके पकने के लिए रख दें। क्योंकि यूं ही ओपन आप पकाएंगे तो बहुत मैस फैलता है, ये पिसी हुई पालक जो है बहुत ज़्यादा चींटें इसकी उड़ती हैं और आपका किचन मैसी हो जाएगा। तो मैंने तो कवर करके बनाया इसको और बार बार बीच में मैं चम्मच चलाती रही। एक साइड पे मैंने फिश पुलाव बना रही थी और पालक के साथ मैंने फिश पुलाव सर्व किया था और एक साइड पे मैं पालक हमने पकाने के लिए रख दी। और पालक का और मेथी का आपने पानी अच्छे से खुश करना है,
क्योंकि जितना आप इसे अच्छी तरह पालक को भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट आएगा। और ये देखें, मैंने इसको कवर करके पकाया ताकि बहुत ज़्यादा उड़े नहीं। तो ये ऑलमोस्ट पालक जो है हमारी भुन चुकी है और इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। तो इस वक्त जो फिश हमने निकाल के रखी थी वो भी शामिल कर देंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पालक में फिश का भी टेस्ट ऐड हो जाए। और ये ऑलमोस्ट हमारी पालक रेडी है। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।